Greetings to all dear students. I hope that you will be hale and hearty at your home. Today, in this video, we are going to discuss the first poem of the book Flamingo. The name of the poem is My Mother at 66, written by an Indian poet Kamala Das. In this poem, she describes her feeling of love and attachment towards her aging mother. This poem is written in a single sentence, punctuated by commas here and there, and this is free verse poem. Let's know about the poem. It is a single sentence poem punctuated by commas here and there. ये poem एक sentence में लिखी गई है, कहीं कहीं पर comma का use किया गया है. The poet was heading for Kochi airport. पोएट जो है अपनी मदर के साथ में कोचिंग एयरपोर्ट जा रही है अपने माँ के घर से. हर 66 ईयर ओल्ड मदर सैट बिसाइड हर. उसकी 66 ईयर्स ओल्ड मदर उसके बगल में बैठी हुई है. द पोएट वॉच्ड हर मदर्स फेस विद अ डीप सेंस ऑफ शॉक बिकॉज द फेस वॉज ग्रे पेल एंड हैड अ कॉप्स लाइक अपीयरेंस. पोएट अपनी माँ की तरफ देखती है, उसके फेस की तरफ देखती है और उसके अंदर एक सेंस आता है, एक शॉकिंग सेंस आता है कि उसके माँ का चेहरा बिल्कुल ग्रे होता जा रहा है, जैसे कि एक डेड बॉडी की तरह से. इन ऑर्डर टू कीप अप अपीयरेंस द पोएट kept स्माइलिंग ऑफ हर मदर एंड रिपीटिंग सी यू सून अम्मा. अपने माँ को ये चीज़ जाहिर ना करने के लिए पोएट जो है उसको जो उसकी अगोनी रहता है, जो उसका पेन रहता है, वो उसको हाइड करती रहती है और बार बार स्माइल करती रहती है, जिससे उसकी माँ को ये फील ना होने पाए. और जाते समय वो कहती है कि सी यू सून अम्मा, जल्दी ही फिर से मिलूंगी. बट डीप विद इन हर वॉज सॉरो एंड अ सेंस ऑफ लॉस. लेकिन उसके मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर एक काफ़ी गहरा दुख होता है कि अब उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और जल्द ही उसका उससे उसके साथ साथ छूट जाएगा. एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. हालांकि कोई भी ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी इस अर्थ पर जो भी बॉर्न हुआ है, ग्रोइंग ओल्ड ये एक नेचुरल प्रोसेस है. वी ऑल नो बट कमिंग फेस टू फेस विद इट, हमें ये सब मालूम है. लेकिन जब कभी हमारे सामने ये चीज़ें होती हैं, वी फाइंड हार्ड टू स्वॉलो द बिटर पिल. तो हमारे लिए इसको एक्सेप्ट करना, इसको मानना बहुत ही मुश्किल होता है. दिस वॉज अबाउट द poem. Now justification of the title of the poem. The title is apt as the poem is about narrator's realization that time has flown by and old age has crept up on her mother. Title बहुत ही appropriate है क्योंकि poet को अपने mother के प्रति जो है एक realization होता है कि उसकी माँ की वृद्धावस्था आ चुकी है, उसके ऊपर पूरी तरह से जो है बुढ़ापा आ चुका है. द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ एडवांसिंग एज. और इस पोएम का पूरा थीम ही यही है कि किस तरह से उसकी माँ की एज जो है वो बढ़ती जा रही है. द फियर एसोसिएटेड विद इट एंड लॉस एंड सेपरेशन. और उसके साथ में एक डर भी जुड़ा हुआ है कि बहुत जल्दी जब वो बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाएगी, तो उसका उसके माँ के साथ साथ छूट जाएगा. थीम ऑफ द पोएम. My mother at 66 captures the fear of the poet of losing her mother due to declining health and loss of energy which accompanies old age. इस poem में poet जो है उसके अंदर डर पहले से ही रहता है और जैसे जैसे उसकी mother का health decline हो रहा है, जैसे जैसे उसकी old age हो रही है, she is losing her energy. उसकी माँ जो है उसकी energy कम होती जा रही है. Because जिस तरह से old age आता है उस तरह से आदमी क्या होता है, लेस एनर्जेटिक हो जाता है, उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है. तो जब वो अपनी माँ को देखती है तो ये उसका डर, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका डर भी बढ़ता जाता है. द पोएट एक्सेप्ट दिस रियलिटी एंड इज डिस्टर्ब्ड बाई हर मदर्स नीड फॉर हर ऑन वन हैंड एंड हर ओन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द अदर हैंड. पोएट ये एक्सेप्ट करती है कि ये तो रियलिटी है और एजिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब्ड होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी माँ एक हेल्पिंग हैंड की तरह से है, उसकी मदद करने वाली है और ये जो उसकी ड्यूटीज है उसके लिए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी दूसरी तरफ है और वो अपने माँ का उतना ख्याल नहीं रख पा रही है ड्यू टू हर जॉब और उसे जाना पड़ता है. तो ये जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज
ड्यूटीज है, जैसे जैसे उसकी ओल्ड एज बढ़ती जा रही है उस तरह उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसकी मदर के लिए। दिस हेल्पलेसनेस इज पॉइंगेंटली ब्रॉट आउट इन द पोएम, और ये जो मजबूरी है ये बहुत अच्छे ढंग से इस पोएम में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। द इमोशंस एक्सपीरियंस्ड बाई द पोएट आर इसेंशियली यूनिवर्सल इन नेचर, और जो इमोशन है, जो पोएट ने इमोशन एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ही यूनिवर्सल नेचर का है, बहुत ही मतलब एक बहुत ही ऑब्वियस सा है जो कि हर एक के साथ में होता है। ये इमोशनल अटैचमेंट हर एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के लिए होता है। द फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन इज अ थीम द रीडर कैन आइडेंटिफाई विद इट। जो एक माई मदर एट 66। बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन आई वुड लाइक टू डिस्कस द अबाउट द पोएट। कमला दास वॉज बॉर्न इन मलाबार केरला इन 1934। कमला दास का जन्म मलाबार केरला में हुआ था इन 1934। सी इज रिकोगनाइज एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। इनकी पहचान, इनकी ख्याति भारत में जितने भी पॉपुलर पोएट्स हैं, जितने भी फेमस पोएट्स हैं उनमें से एक है। हर वर्क्स आर नोन फॉर दियर ओरिजिनैलिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉयल। इनका काम, इनकी कृतियाँ अपने वास्तविकता के लिए जाने जाते हैं, अपनी वेस्टैलिटी के लिए जाने जाते हैं, और इंडिजिनस फ्लेवर एक पाया जाता है, एक जो इनके रीजनल जहाँ पे ये रहती हैं एक फ्लेवर जो है उस सॉयल का मिलता है, एक मातृभूमि से जुड़ा हुआ इनकी सारी कृतियाँ होती हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवीकुट्टी। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में लिखी अपने एक मलयालम नाम के पेन नेम, इनका मलयालम एक पेन नेम है माधवीकुट्टी के नाम से, इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। कुछ इनके महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस इनकी कृतियाँ हैं जिसमें से एक नॉवेल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1977। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हैरलेट एंड अदर स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1992। इन एडिशन टू 5 books of poetry, इन्होंने 5 books of poetry भी लिखा। सी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टैलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम। और इन्होंने बहुत ही सेंसिटिव एक पोएम लिखी जो अभी आप पढ़ने ही जा रहे हैं, माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। सी वॉज अवॉर्डेड विद एशियन पेन एंथोलॉजी इन 1964, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड सी गॉट इन 1969, एंड सी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद साहित्य अकेदमी अवार्ड इन 1985। सी वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984। On 31st May 2009, aged 75, she died at a hospital in Pune. This was all about the poet. Let's discuss the poem. Aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? Growing old, that is a very natural process. ये तो एक प्राकृतिक एक process है जिसमें हर कोई जो है बॉर्न हुआ है तो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आता है, एडल्टहुड से फिर ओल्ड एज में जाता ही जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे बूढ़े माता पिता हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपने कभी इसके बारे में सोचा है? लेट्स रीड द पोएम कीपिंग दिस थॉट, इस थॉट को माइंड में रखते हुए हम लोग चलिए इस पोएम को रीड करते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Beside, it means near. So, in the morning of Friday, the author was traveling in a car. She was traveling from her parents' home to Cochin airport. Her mother was also sitting beside her in the car. She looks at her mother. So, in the first stanza, the poet was moving towards Cochin airport in the morning of Friday. Friday ki morning mein jo hai wo apne maa ke saath mein ek car mein travel karte hue Cochin airport ja rahi thi. Aur uski maa bhi uske saath mein bagal mein baithi hui thi. Then she looks at her mother. Doze, open-mouthed, her face asen like that of a corpse. Doze, it means sleep. Asen, it means face having yellow color. Corpse, it means dead body. So her mother was sleeping. She was dozing. Dozing means when you nap, जब आप थोड़ा सा उंघाई लेते हैं तो उसे बोलते हैं dozing. So face of her mother
had become yellow because of her old age. The color was same as that of a dead body. और उसका जो कलर था उसकी स्किन का वो बिल्कुल जैसे डेड बॉडी येलोइश कलर था, तो इस तरह से उसका कलर हो चुका था. एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वॉज एन ओल्ड एज सी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे. सो द पोएट रियलाइज्ड व्हेन सी सॉ हर फेस, देन सी रियलाइज्ड दैट सी हैड बिकम वेरी ओल्ड, कि बहुत बूढ़ी हो चुकी है. देन सी फेल्ट द पेन ऑफ लूजिंग हर, तब उसको लगा कि अब उसकी मदर जो है काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, और उसको दुख होने लगा कि बहुत जल्दी कहीं उसकी माँ की डेथ ना हो जाए. एंड सी वॉज फीलिंग द पेन ऑफ लूजिंग हर. वेरी सून केप्ट दिस थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड, और फिर उसने इस थॉट को जैसे उसके माइंड में आया कि उसकी मदर जो है वो ओल्ड हो रही है, सी इज़ ग्रोइंग ओल्ड, और फिर उसको वो छोड़कर चली जाएंगी, तो इस थॉट को दूर रखने के लिए उसने अपना अटेंशन जो है ड्रॉ किया वहाँ से. सी ट्राई टू पुट that thought away so that she would not unnecessarily worry about her mother and try to smile so as to reassure her that she would visit soon. और ऐसा उसने कुछ किया. And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. So now उसने अपना thought जो है दूर किया smile करते हुए. Trees sprinting and the merry children spilling out of their homes, but after the and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their home, but after the airport security check standing a few yards. So now to draw her attention, she looked outside. वो बाहर देखी. Sprinting means क्या होता है? Running fast. Merry means क्या होता है? Happy. Spilling means क्या होता है? Coming out. So now she looked at the trees and the children. The trees and children were so young. They appeared to be running. पेड़ जैसे कि जब कार चलती है तो पेड़ जो है पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं. When we move in a train or a car, trees at distance seems to be moving in opposite direction. तो ऐसा लगता है कि जैसे trees जो है opposite direction में भाग रहे हैं. And happy children were also coming out of their homes to play. और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बाहर निकल करके आ रहे थे खेलने के लिए. So they were very merry, they were very happy, वो लोग बहुत खुश थे. And then after the airport security check standing a few yards away. तो यहाँ पर क्या था कि then the poet Kamala Das, she completed the security check at the airport. Airport पर security check हुआ. And after that she stood some distance away from her mother. फिर अपने मदर से थोड़ी दूर पर वो खड़ी हुई थी. आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक बाई चाइल्डहुड फियर. वैन मीन्स क्या होता है? सिक. और पेल मीन्स क्या होता है? येलो. एक मीन्स क्या होता है? पेन. तो देन सी लुक्ड अगेन एट हर मदर. वंस अगेन सी लुक्ड एट हर मदर. She was looking sick. वो बहुत बीमार दिख रही थी. Her face was yellow also, like moon in winter season. जैसे कि winter season में moon होता है, because the moon face is not shining at all in the winter season. Winter season में moon का जो एक face हमें दिखाई देता है वो बहुत ही shiny नहीं होता है. तो एक late winter's moon की तरह से her face was yellow. उसका फेस एकदम येलो हो चुका था, मदर का फेस. आई फेल्ट द पेन ऑफ लूजिंग हर एंड द पोएट इज सेइंग दैट सी फेल्ट द पेन ऑफ लूजिंग ऑफ हर. उसको खोने का उसको डर सता रहा था. दिस पेन वॉज वेरी सिमिलर टू द फीलिंग ऑफ हर चाइल्डहुड. जब वो बचपन में थी तो उसको हमेशा अपनी माँ को खोने का डर हुआ रहता था, और अब भी वही डर उसके सामने है. When her mother used to move away from her, जब उसकी माँ जो है उससे दूर जाया करती थी, तो चाइल्डहुड में उसको डर होता था अपने मदर को खोने का. तो वही डर अभी भी उसको है. उसको ये उसकी एजिंग को देख करके उसको फिर से ये डर हो रहा है. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. तो सी यू सून मीन्स क्या होता है? विल मीट यू सून. तो अब जो पोएट है वो कुछ कर तो सकती नहीं थी, बट सी कुड नॉट से एनी थिंग टू हर मदर. वो अपने मदर को कुछ नहीं कह सकती थी. सी ओनली सेड दैट मदर आई विल मीट यू वेरी सून. वो बस इतना ही कह सकी कि वो अपने माँ से फिर से जल्दी वो मिलेगी. एंड देन सी स्माइल्ड एट हर. और फिर उसने जाते समय उस पर स्माइल किया.
दिस इज ऑल अबाउट द पोम. नाउ लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस. फर्स्ट डिवाइस इज हियर सिमली. इट इज द कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स बाई यूजिंग एज और लाइक. एग्जाम्पल, हर फेस आस इन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. इन द फर्स्ट स्टैंजा विल बी noticing this device. So when her mother was sitting beside her, so her face was asin like, so this one. And the second one is the in the last stanza, as a late winter's moon. So both were the two different things is compared by using the word as or like. Metaphor, it is the direct comparison of two things without the use of as or like. The merry children spilling. So spilling means क्या होता है कि किसी चीज़ का बाहर आना, coming out something, especially liquid में होता है. जब liquid क्या होता है कि उसको हम boil करते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें energy होती, heat energy होती है, और heat energy की वजह से वो क्या होता है बाहर की तरफ उबलने लगता है. तो द मैरी चिल्ड्रन वर स्पिलिंग, मतलब बच्चे जो है उनमें क्या थी, काफ़ी एनर्जी थी और वो बाहर दौड़ते हुए घर से, अपने घर से बाहर निकल रहे थे, तो दे वर शोइंग अ काइंड ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पर स्पिलिंग जो है ये एक लिक्विड के लिए यूज़ होता है, और मैरी चिल्ड्रन की उनकी खुशी इस तरह से थी जो कि बाहर एकदम बिल्कुल अफेक्ट कर रही थी दूसरे लोगों को भी. तो ये क्या है कि देयर हियर इज मेटाफर. पर्सोनिफिकेशन, व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू एनिमल और प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड personification. So trees were sprinting, so trees were running. Here this quality means they were running or they have a short fast race. So here is personification. Next, repetition. It is repetition of a word. When there is a repetition of word or phrase to create a poetic effect in a poem, that is called repetition. We will find this repetition in the last line, smile and smile and smile. Smile word is being repeated here, so therefore is here is repetition. Next is alliteration. Alliteration is the repetition of the consonant sound in a line of poem, like my mother, that thought, I said, was, see you soon. So my mother mein mm sound is repeated, ye consonant sound hai. That thought में टी साउंड, टी एच साउंड इज रिपीटेड, वहाँ पे था साउंड रिपीट हो रहा है. और सेड, वॉज में जो है एस साउंड रिपीट हो रहा है, और सी यू सून में एस साउंड रिपीट हो रहा है. सो इन दीज ऑल द पेयर ऑफ वर्ड्स देर इज एलिटरेशन. नेक्स्ट इज एपोस्ट्रॉफ. दिस रिटोरिकल डिवाइस इज यूज व्हेन अ पोएट एड्रेसेस हिज और हर पोएम टू एन एब्सेंट ऑडियंस. ये एपोस्ट्रॉफ क्या होता है, जब कोई ऑडियंस नहीं होता है सामने, लेकिन पोएट जो है एड्रेस करता है. इन दिस पोएम द पोएट यूजेस द डिवाइस ऑफ एपोस्ट्रॉफ इन लाइन 18 व्हेन सी स्पीक्स डायरेक्टली टू हर मदर. जब वो अपने मदर को डायरेक्टली बोलती है, हालांकि मदर जब वो लिखती रहती है उसकी मदर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन सी इज एड्रेसिंग हर एज अम्मा. इवन दो वी नेवर सी द मदर रिप्लाइंग टू द पोएट, हम लोगों ने देखा नहीं कि मदर रिप्लाई कर रही कि नहीं कर रही, लेकिन अपने मदर को उन्होंने इस तरह से एड्रेस किया है, तो हियर इज एपोस्ट्रॉफ. इंजैपमेंट, द होल पोएम इज़ विदाउट एनी स्टॉप मार्क और पॉज. ये पूरी इंटायर पोएम भी जो है, बहुत सारी ऐसी कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स है जहाँ पर विदाउट पॉज, विदाउट पंक्चुएशन मार्क, दैट हैज़ बीन कॉन्टिन्यूड. सो हियर इज अ क्लियरली दिस डिवाइस इज यूज इंजैपमेंट. इन एन इंजैपमेंट द पोएट्स थाट प्रोसीड्स इन द अपकमिंग लाइन्स. अपकमिंग लाइन्स में वो थाट प्रोसीड्स होते हैं. द होल आइडिया बिकम्स क्लियर आफ्टर गोइंग थ्रू अ फ्यू लाइन्स. और हमें ये जो आइडिया होता है कुछ लाइन को रीड करने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज मेटोनिमी. मेरी चिल्ड्रन इज अ सिंबल ऑफ अ फ्रेशनेस एंड लाइवलीनेस. जो मेरी चिल्ड्रन है वो एक सिंबल यहाँ पर एज अ सिंबल यूज किया गया है, फ्रेशनेस, एक काफ़ी ऊर्जा के लिए उनको उनका यूज किया गया है. एंड लाइवलीनेस, उनमें कितनी लाइवलीनेस है, ये सिंबल वो देते हैं. द सिंबल इज अ लिटरली टर्म. एक सिंबल जो एक लिटरी टर्म है एंड इज द फिगरेटिव लैंग्वेज, और एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, इट्स कॉल्ड मेटोनिमी. लास्ट इज टॉटोलॉजी. वैन एंड पेल बोथ हैव द सेम मीनिंग्स. वैन और पेल जो है दोनों की मतलब वही होता है, दोनों का मीन्स होता है कलरलेस, फेड. और रिपीटिंग द वर्ड्स हैविंग ईदर द सेम डेफिनेशन और क्लोज इन मीनिंग इज कॉल्ड टॉटोलॉजी इन फिगरेटिव लैंग्वेज. जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं कि वो कितना ज़्यादा मतलब कलरलेस हो गई थी, कितना उनका चेहरे का रंग फेड हो गया था, कितना येलोइश हो गया था, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड का यूज़ करके
अगर मतलब किसी एक चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं तो देर इज़ अ टॉटोलॉजी, वो होता है टॉटोलॉजी. सो दिस दीज ऑल द डिवाइसेज आर यूज इन दिस पोएम. आई होप यू फाउंड इट यूजफुल एंड यू अंडरस्टूड ऑल द पोएटिक डिवाइसेज एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.